अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। सेना वृत्त IAS अमिताभ ठाकुर ने मेरठ सिविल लाइन में तैनात पुलिस क्षेत्राधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने की मांग DGP से की। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया है कि CO सिविल लाइन अरविंद चौरसिया के मोबाइल से पत्रकारों को कुछ मैसेज भेजे गए हैं। इन मैसेज को भेजने के पीछे उनकी व साथी की छवि धूमिल करने के साथ ही कंकड़खेड़ा में भू माफिया के खिलाफ उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान को कमजोर करना है। आज अमिताभ ठाकुर ने मोबाइल के कुछ स्क्रीनशॉट भी मीडिया को उपलब्ध कराए हैं। इन मैसेज में अमिताभ ठाकुर संग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे देवेंद्र सिंह को लेकर कुछ टिप्पणियां की गई हैं। हालांकि जब अमिताभ ठाकुर द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल की गई तो वह स्विच ऑफ पाया गया। यह नंबर CO सिविल लाइन अरविंद चौरसिया का बताया गया है। दरअसल हाल ही में अमिताभ ठाकुर ने सर्किट हाउस की सीढ़ियों पर बैठकर प्रेस वार्ता की थी। पूर्व में परमिशन न लेने का हवाला देते हुए उनके लिए कक्ष नहीं खोला गया था। हालांकि इस बारे में अमिताभ ठाकुर का कहना है कि यदि कोई सत्ताधारी नेता होता तो तुरंत ही सर्किट हाउस खोल दिया जाता, उसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ अरविंद चौरसिया भी उनसे मिलने पहुंचे थे। इसी क्रम में अमिताभ ठाकुर ने एक वीडियो संदेश भी मीडिया को जारी किया है, देखिए। कंकड़खेड़ा भूमि घोटाला मामले के संबंध में मेरे द्वारा 8 तारीख को मेरठ में प्रेस वार्ता करने के बाद जिस प्रकार CO सिविल लाइंस अरविंद चौरसिया द्वारा तमाम पत्रकारों को मैसेज भेजकर हमारे साथी देवेंद्र सिंह और हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना के संबंध में टिप्पणियां करने के तथ्य सामने आए हैं वह स्पष्टतया अनुचित और आपत्तिजनक है। मैंने इस संबंध में DGP UP को जांच कर अविलंब कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.tv।